नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनुराग आनंद है और मैं अभी समस्तीपुर जिले के ठीक बगल में सर्किट हाउस के पास खड़ा हूँ। सर्किट हाउस जिला अतिथि गृह समस्तीपुर है और इसी जिला अतिथि गृह से वह रोचक तथ्य हैं और रोचक बातें हैं जो राम मंदिर अयोध्या को लेकर जुड़ी हुई है। बात 1989 की है, जब वो राम मंदिर को लेके विश्व हिंदू परिषद की अध्यक्षता में एक रथ यात्रा निकाली गई थी और उस रथ यात्रा की अध्यक्षता माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी कर रहे थे और उस रथ यात्रा की के सारथी उस रथ के नरेंद्र मोदी जी थे। यहाँ दोस्तों मैं इसी समस्या से जुड़ गया हूँ और वो रथ यात्रा जब पूरे देश के लिए निकाली गई थी, उस वो रथ यात्रा सोमनाथ से प्रस्थान करके अयोध्या को जानी थी और जब वो रथ यात्रा निकाली गई तो वो रथ यात्रा जब समस्तीपुर पहुंची तो जी दोस्तों आप लोग देखिए, ठीक मेरे पीछे में लिखा हुआ है अतिथि गृह समस्तीपुर। यही जिला अतिथि गृह के रूम नंबर 7 से रात के 1:30 बजे लालकृष्ण आडवाणी जी को, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, और उनके द्वारा इसी अतिथि गृह के अंदर से रात के 1:30 बजे अरेस्ट कर लिया गया था और उस राम रथ यात्रा को रोक दिया गया था। लेकिन फिर भी भले ही उस समय बिहार के मुख्यमंत्री जी ने ये कार्य किया उस रथ यात्रा को रोक के, लेकिन उन्हें लगा था कि मैं इस रथ यात्रा को रोक के राम मंदिर को लेके जो बातें उठी हुई थी उसको मैं दबा दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ ठीक उल्टा। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना, आग में घी डालने के बराबर बहुत ही अच्छा काम कर गए लालू प्रसाद यादव जी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद हम आप लोग जो देख रहे हैं राम मंदिर को लेके जो हम लोगों की खुशी हुई है, शायद ये खुशी आज अभी तक नहीं मिल पाती। मिलती तो कभी ना कभी या नहीं भी मिल पाती, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अहम योगदान बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी का भी है, जिन्होंने यहाँ से उस रथ यात्रा को रोक दिया था और इसी रथ यात्रा को रोकने के लिए उन्होंने यहाँ के डीएम और एसपी तक को खबर नहीं होने दी और ठीक वहाँ पटना जिला से एक कमेटी तैयार करके वहाँ के कुछ अफसर को हेलीकॉप्टर से यहाँ के बगल में एक पटेल मैदान है वहाँ पे भेजा गया था और वहाँ से चुपचाप वो दोनों अफसर बिना किसी को भनक लगे हुए एकाएक आते हैं और रात के 1:30 बजे रूम नंबर 7 का दरवाजा खटखटाते हैं और जब लालकृष्ण आडवाणी जी उस दरवाजा को खोलते हैं और कहते हैं जी कहिए, तो वो कहते हैं कि आपको अरेस्ट किया जाता है, आप मेरे साथ चलिए। जी हाँ दोस्तों, इसी जिला सर्किट हाउस से लालकृष्ण आडवाणी जी को अरेस्ट किया गया था। और समस्तीपुर जिला सन 1972 में दरभंगा डिवीजन से अलग होके खुद के अस्तित्व में आया था, लेकिन 1990 में इस समस्तीपुर जिले की विख्यात पूरे नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हुई थी और इस समस्तीपुर को लोग तभी से जानने लगे थे, यहीं पे उस राम रथ यात्रा को रोका गया था। जी हाँ दोस्तों, यह वही जिला अतिथि गृह है और इसी के रूम नंबर 7 से उस रथ यात्रा को रोका गया था और हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उस रथ यात्रा को जब माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी रोके थे तो उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैंने इस रथ यात्रा को रोक के मैं हिंदुत्व के लोगों को और उनके मन को तोड़ दूंगा, लेकिन हम लोगों के मन को बढ़ावा मिली और समस्तीपुर की जनताओं में उस समय आक्रोश फैल गया था, लेकिन जनताओं के बीच उस आक्रोश को संयमता के रूप में बरकरार रखते हुए आज हम लोगों का सबसे बड़ा जीत हो चुका है और 22 तारीख को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और मैं जिस जिले की बात कर रहा हूँ और मैं जिले में अवस्थित हूँ और मैं जिस जिले का निवासी हूँ, इस जिले का नाम समस्तीपुर है और ये इसे मिथिला का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे आपसे।